आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। मुद्दा कहें या आरोप प्रत्यारोप कहें या व्यवस्था कहें या लगाव कहें। जब लगाव था तब शायद कुछ व्यवस्थाएं ठीक थी, अब लगाव शायद कम हुआ तो व्यवस्थाएं खराब हुई। अब लगाव किसका है ये जनता भी जानती है और राजनीतिक समीकरण भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं। मुद्दा प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की जो सुरक्षा श्रेणी है वो जेड से घटकर बाई हो गई है। कारण क्या रहा? यही सुरक्षा श्रेणी इनको दी गई थी जेड प्लस, अब वो बाई हो गई है, यानी उनकी सुरक्षा में यहाँ पर कटौती की गई है। कारण क्या केवल व्यवस्था है या कारण अखिलेश यादव से नज़दीकियाँ हैं? कि जिस तरह से अभी हाल में ही मैनपुरी चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं और शिवपाल सिंह यादव जो प्रसपा प्रमुख हैं उनके बीच में जिस तरह से जुगलबंदी की बात आई कि सारे मतभेद हटाकर यहाँ पर लगाव हो गया है और परिवार एक हो गया है, और जिस तरह अभी हाल में प्रसपा प्रमुख ने बयान भी दिया था कि डिंपल यादव जो कि सपा प्रमुख की पत्नी है और मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, उनका फोन आया था कि चाचा आ जाइए और जुड़ जाइए, परिवार को एक रखना है। और उन्होंने बयान में हास्यपर तरीके से बोलते ये भी कहा था कि ठीक है बात परिवार की है, परिवार एक हो गया है, पर अगर अखिलेश गड़बड़ करे तो बहू तुम देख लेना। क्या भरोसा अब भी नहीं है या केवल ये एक हास्यप्रद बात थी आम जनता के लिए? खैर, हास्यप्रद हो या गंभीर हो, पर यहाँ पर मुद्दा यही गंभीर है कि फिलहाल जेड श्रेणी से सुरक्षा बाई श्रेणी पर आ गई। और दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि आज मुख्यमंत्री मैनपुरी में सभाएं करने गए थे। करल में सभा करते उन्होंने शिवपाल सिंह यादव पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव कुर्सी के हत्थे पे बैठे थे, पेंडुलम की तरह हो गए हैं, फुटबॉल की तरह हो गए हैं, कोई यहाँ से दे रहा है, कोई वहाँ से दे रहा है, और कितनी बेइज्जती उनकी हुई है। अब इस बयान का आशय क्या है ये शायद सीएम योगी जानते होंगे या फिर जिस पर बयान दिया गया है वो जानते हैं। खैर, अगर बयानों की बात करें तो उससे बयान तमाम तरह के चल रहे हैं। आजम खां भी यहाँ अखिलेश यादव को बयान देते हुए कह रहे हैं कि आप रामपुर से आकाश सक्सेना को जीता घोषित कर दीजिए क्योंकि यहाँ चुनाव तो हो नहीं रहा है। क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? और कहा जा रहा है कि वो अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं और दर्द उनका आंसुओं में नजर आ रहा है। तो उसकी दर पर बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बयान दिया कि घड़ियाली आंसू हैं, इनके आंसुओं के बारे में नौता है। फिलहाल कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कौन वे लोग थे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में आकर के सत्ता को अपनी पपोती बना करके इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, एटा हो, कानपुर हो या फिर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, गरीब को उसकी आजीविका से वंचित किया, अन्नदाता किसानों को मिलने वाली शासन की सुविधा से वंचित किया, उन लोगों को चिन्हित करके अब समय आ गया है लोकतंत्र की अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है, वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का, परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने यहाँ पर बयान दिए और उनका सीधा सीधा कहना था कि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव की बेइज्जती हुई, सोफे के गद्दे पे बैठाया गया तब भी उनको तकलीफ नहीं हुई, और अब वो पेंडुलम की और फुटबॉल की तरह हो गए, पता ही नहीं कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है।
पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी भी सपा को काफी फायदे पहुंचाने वाली रही है, क्योंकि अगर हम 2019 चुनाव की बात वोट जसवंत नगर से आए थे, जो आगे वो आए थे जसवंत नगर विधानसभा से, जो शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा सीट है। तो क्या ये जुड़ाव केवल केवल मैनपुरी के चुनाव को देखते हुआ है, या ये जुड़ाव लंबा रहेगा? कि जिस तरह शिवपाल सिंह यादव ने हास्यास्पद तरीके से कहा, पर कहा तो उन्होंने ये बात उनके मन में थी कि अगर अखिलेश गड़बड़ी करे तो बहू देख लेना, तो कहीं ना कहीं कुछ मन में अभी भी संशय है। और संशय के बीच जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा जेड से बाई हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात भी है कि अगर नज़दीकियाँ कहीं और होती हैं तो दूरियाँ कहीं ना कहीं बन जाती हैं। अब दूरियों से यहाँ नुकसान होता है, लाभ होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और अगर लाभ हो रहा है तो मेरे ख्याल से बेहतर है, और अगर नुकसान हो रहा है तो शायद इस पर फिर समीक्षा करनी पड़ेगी। मैनपुरी सीट पर उपचुनाव है, उपचुनाव से बहुत कुछ निर्भर भी करेगा कि आने वाला समय कि किसके लिए बेहतर होगी। क्योंकि अगर मैनपुरी में उपचुनाव हार जाते हैं सपा, तो यह सपा की प्रतिष्ठा भी चली जाएगी, जो उसकी पुश्तैनी सीट रही है, पारंपरिक सीट रही है, और सपा के पुरोधा और पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली में एक, जहां पर वो बड़े बड़े चुनाव जीते। तो अगर यहां सीट हारते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो सपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान। हालांकि वो सीट भी अगर बात करें तो केवल 1.5 साल का चुनावी कार्यकाल ही बचा है, जो भी इस पर आसीन होगा उसका कार्यकाल महज 1.5 काल ही रहेगा। पर जिस तरह से छोटे छोटे चुनावों को लेकर भी सरगर्मी बनी हुई है, रामपुर, खतौली और मैनपुरी, भाई एक बात स्पष्ट करते हैं कि जो आज बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाती है, तो ये बात सही भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही शायद केंद्र की राजनीति निर्भर भी करती है। अगर उत्तर प्रदेश जीत लिया तो शायद आपको केंद्र में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल समीकरण तो ऐसे ही बता रहे हैं, और जो 2014 और 19 के समीकरण हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ पर समीकरण बहुत कुछ जरूरी है। अगर समीकरण आपने दुरुस्त नहीं किए तो शायद यहाँ पर आपको जीतना संभव नहीं है। खैर, आने वाले समय निकाय चुनाव भी हैं, और यहाँ पर चर्चा विषय ये भी है कि निकाय चुनाव तक जो गठबंधन या जो मतभेद अलग करके यहाँ जुड़ा हुआ है वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सुरक्षा में कटौती हुई है तो शायद कुछ ना कुछ संशय यहाँ प्रसपा प्रमुख के मन में भी आया होगा कि अगर हम कहीं नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं तो शायद कहीं दूरियाँ भी हो रही हैं। दूरियाँ किससे हैं ये प्रसपा प्रमुख जानते होंगे, या फिर जिसको इस चीज़ का आकलन है वो जानता होगा। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, और अगर इस विषय पर चर्चा नहीं होगी तब भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करें तो विपक्ष के रूप में सपा और सत्ता पक्ष के रूप में भाजपा हमेशा से ही मुखर रहते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि ये 17 का स्थिति नहीं है, स्थिति है 22 की। 17 में महज 47 सीटें थी सपा के पास, और यहाँ पर सपा के पास 111 सीटें हैं। मजबूत विपक्ष की भूमिका जनता ने उनको प्रदान की है, और शायद अब इस पर न्याय भी करना होगा। अगर न्याय नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब भी होगी, और आने वाले समय में भी इस तरह की जो जनसभाएं होती हैं और महत्वपूर्ण विषय है। खैर, मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ अशोक शाही भाई प्रवक्ता भाजपा रूप में अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में मोहम्मद अखलाक जी अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी भाई अपना पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ भाई प्रवक्ता हमारी पार्टी के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, और प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी प्रवक्ता सपा के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा प्रवक्ता भाजपा से रहेगा। अश्विनी जी, यहाँ सुरक्षा जेड से बाई पर आ गई, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने वहाँ पर सभा की, और उन्होंने कहा कि पेंडुलम और फुटबॉल की तरह हो गए हैं,
कोई यहां दे रहा है, कोई वहां दे रहा है, मतभेद दूर होके जुड़ाव हुआ है या केवल जुड़ाव केवल मैनपुरी सीट को देखते हुए, कैसे देखते हैं आप? कौन जी, देखिए अभी पीछे जो घटना चक्र हुआ जी, नेताजी के ने, पहले की मैं बात कर रहा हूँ जी, शिवपाल सिंह यादव जी इस विधानसभा चुनाव 2022 में जी किस तरीके से गिड़गिड़ाते रहे कि हमको साथ में ले लीजिए, हमको साथ में ले लीजिए, 100 टिकट उन्होंने घोषित कर दिया। उसके बाद टिकट कितना दिया इन लोगों ने? 1 टिकट दिया जी। घनघोर बेइज्जती की। अच्छा, चुनाव प्रचार जब रैली निकल रही थी तो उनको बैठने के लिए सीट नहीं मिला, जिसकी चर्चा आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे जी, हत्थे पर बैठे हुए थे जी। चलिए वो भी सही जी। इतनी बेइज्जती होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में मुर्मू जी का समर्थन करते हैं, अखिलेश जी का विरोध करते हैं जी। उसके बाद ऑफिशियल बेइज्जती हुई जी कि चाचा जी आप जहां चाहे जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हाँ। एक चिट्ठी जारी कर देते हैं माननीय अखिलेश जी। अच्छा, ऑफिशियल बेइज्जती है? ऑफिशियल चिट्ठी है, ऑफिशियल बेइज्जती है। जब चिट्ठी लिख के करते हैं इसको ऑफिशियल बेइज्जती करते जी, हैं जी। इसको इसको कहते हैं सम्मानजनक तरीके से अपमानित करना। क्या बात है अभिषेक भाई। तो वो चिट्ठी जारी की जाती है। हाँ। चिट्ठी जारी होती है, सारा समीकरण होता है, दुराव होता है। प्रसपा जो लगभग जो है उस चुनाव में सपा के साथ थी, अब धीरे धीरे खड़ी होकर जिले जिले में जो है शिवपाल जी अपना संगठन खड़ा करने लगते हैं। अचानक घटना चक्र बदलता है, माननीय नेताजी का निधन हो जाता है। उसके बाद परिवार में क्रियाक्रम में सब लोग जुटते हैं, जो भी बातें हुई जी। उस समय फिर से एका की बात होती है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, परिवार में एका होना चाहिए। मगर उसके बाद भी आप शिवपाल जी के बयानों पर देखिए, जिसकी चर्चा आपने दो बार किया कि बहू तुम देख लेना, भतीजे पर भरोसा नहीं। उसके बाद जिस दिन नेताजी का देहांत होता है उस दिन की फोटो देखिए सोशल मीडिया पर, किस तरीके से लोग किनारे दूसरे तरफ मुंह करके खड़े थे। तो वो चीजें घटना, उसके पहले नेताजी की पत्नी का जब डेथ हुआ था तो नेताजी गाड़ी में बैठे थे और कौन कौन कहां देख रहा था उसको भी देखने योग्य है। तो ये पूरे उस पर आप नजर डालेंगे तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने शिवपाल सिंह जी की बेइज्जती करने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद भी अगर वो उनके साथ हैं, ये उनके परिवार का मैटर है, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं। रही सुरक्षा की बात, सुरक्षा गौरव जी देखिए एक समीक्षा होती है जी। समीक्षा होने में अगर उनको बेहतर उनको सुरक्षा की जरूरत उस समय पाई गई होगी तो उनको जेड प्लस की सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि उसमें 22 लोग होते हैं, 4 कमांडो होते हैं एनएसजी के जी। और बाकी 22 होते हैं। और वायु श्रेणी की सुरक्षा में 11 पुलिसकर्मी होते हैं, 2 पीएसओ होते हैं, इसमें भी सुरक्षा हटाई नहीं गई है। 11 सुरक्षा कर्मी और 2 पीएसओ होते हैं जी। तो सुरक्षा हटाई नहीं गई है, जेड से वाई की गई है जी। इसमें बहुत से देश में आपको उदाहरण मिलेंगे जिसकी सुरक्षा जेड से वाई की गई थी। अच्छा जी, ठीक है। इखलाक जी, अश्विन भाई बोले हैं ऑफिशियल आपकी बेइज्जती भी हुई थी और कितनी बार बेइज्जती कराएंगे, और मुख्यमंत्री जो कहा है वो तो सब देखा ही है, क्योंकि रैली के दौरान हत्थे पे बैठे भी नजर आए थे और लेटर भी वायरल हुआ था कि सम्मान के साथ जहां जाना चाहे जा सकते हैं, और फिर यहां पर जुड़ गए हैं, एकता की बातें हो रही हैं। तो कहां ना कहीं बयान तो मुख्यमंत्री ने दिए हैं, वो आधार पर दिए हैं, पर ये जो जुड़ाव हुआ है, जो परिवार एक होने की बात की जा रही है, ये कब तक चलेगा, मैनपुरी तक रहेगा कि आगे जाएगा भाई? देखिए गौरव भाई, बहुत दिन बाद आपके चैनल पे आपसे मुलाकात करने का मौका मिला जी। धन्यवाद। और जैसे कि हमारे अश्विनी साई जी कह रहे हैं जी, सम्मान और अपमान की बात, इज्जत देने की बात, इज्जत ना करने की बात। अच्छा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सम्मान करते हैं शिवपाल सिंह यादव साहब का, किस तरीके का बयान आज उन्होंने करल में दिया है आप लोग ने भी देखा है, पेंडुलम जैसा बयान, फुटबॉल जैसा बयान, राजनीति में इस तरह के बयान देखिए नहीं देना चाहिए। अच्छा, अगर किसी का सम्मान करते तो दिल से करिए, दिखावटी तौर पे कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ शिवपाल जी ने हमेशा करी थी, करी है कि ईमानदार है। आज अगर बेशक हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हमेशा से विचारधारा हमारी समाजवाद रही है। अच्छा, तो आज तकलीफ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा जब शिवपाल सिंह यादव साहब अलग थे,
सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी। क्या फायदा हो गया? फायदा बता दीजिए। लगातार सत्ता में है। अच्छा, जब से वो अलग रहे हैं लगातार वो सत्ता में है। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो भारतीय जनता फायदा नहीं, वो अलग होगा तो सत्ता आपको मिलती है। देखिए, परिवारवाद की बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कहा कि ये परिवारवाद की पार्टी है। अच्छा, तो अगर ये परिवारवाद की पार्टी होती जो इनके मैनपुरी के कैंडिडेट हैं रघुराज साक्ष जी, वो इनके कैंडिडेट ना होते, वो किसी गांव में होते या कोई नौकरी कर रहे, तो नौकरी दिलाने काम भी शिवपाल जी ने किया था। अच्छा, उनको सांसद विधायक बनाने काम भी समाजवादी ने किया था, नेताजी ने किया था, शिवपाल जी ने किया था जी। तो परिवारवाद की पार्टी नहीं है। हाँ, जितने भी शोषित वंचित पिछड़े लोग हैं, जितने भी शोषित वंचित लोग हैं उनको बढ़ाने का काम हमेशा किया जो आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। अरे, अपना कैंडिडेट उतारते? रघुराज साक्षी कौन है गौरव भाई, आप बताइए। समाजवाद के हैं, भाजपा में थे या भाजपा में हैं? समाजवाद के ही है ना विधायक सांसद, तो उनको सपा समाजवादी पार्टी ने बनाया। बिल्कुल बनाया। तो अगर समाजवाद, हम लोग परिवारवाद के, अगर परिवारवाद के होते, अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के आज प्रत्याशी क्या हो पाते? जी बिल्कुल। और तमाम 22 में ऐसे कैंडिडेट हैं जो समाजवाद विचारधारा से निकले हुए हैं, और देखिए किसी के आने जाने पे नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई लालच की राजनीति करना चाहे, सुनने में आया कि इलाज कराने की बोल कर आए, कोई वो तो देखिए लालच की राजनीति, कोई इधर कोई उधर। आपको एक साथ, एक जिसके नेता के साथ है, जिस विचारधारा के साथ है, तो उसके साथ आप लालच नहीं देखेंगे, उसके साथ रहेंगे। पर जो जो अश्विनी भाई बोल रहे हैं बेइज्जती वाली बात, ऑफिशियल बेइज्जती, हत्ते पे बैठ के जाना, तो ये इस पे क्या बोलेंगे? ये हुआ था कि नहीं हुआ था? देखिए, अब उस वक्त सब साथ थे। अच्छा, शिवपाल जी साथ में थे, जैसे उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी उनका सही से उपयोग कर ली होती तो सरकार में होती। अच्छा, ठीक, वो बात सही कही थी उन्होंने। अच्छा, अगर शिवपाल सिंह यादव साहब का सही से उपयोग होता तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री होते। अच्छा, खैर वो पुरानी बात है, अभी पूरा परिवार एक है। अच्छा, और बात अभी हुई उनकी सिक्योरिटी हटाने पर। ठीक है, तो देखिए सिक्योरिटी इस तरीके से करना, वो भी चुनाव का जो पीक टाइम हो, अच्छा, उस वक्त आप सिक्योरिटी हटाते हैं, तो मैं समझता हटाए नहीं, कम किया, कम किया, जेड से वाई किया। हाँ, तो संविधान के खिलाफ है हमारा, देख संविधान पे चलने वाला है। अच्छा, और देखिए उनको क्या सुरक्षा देंगे जिनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हो, सैफई इटावा मैनपुरी की जनता करती हो, उत्तर प्रदेश की जनता करती हो। अच्छा, तो शिवपाल जी की सिक्योरिटी जो कम करेगी, उस पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जीने के लिए तो लाख वजहें थी, मगर जो शिवपाल जी ने जो जीने की वजह सुनी उसे इनकलाब कहते हैं। इनकलाब से निकले हुए नेता है, संघर्ष से निकले लेता है, तो सिक्योरिटी कम करने जाने अनजाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, जो मिलन हुआ है लंबा जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि वक्त से पहले उन्होंने हार मान ली है मैनपुरी के अंदर, जो इस तरीके काम कर रही है। फिलहाल मिलन लंबा जाएगा, जो मिलन हुआ। देखिए आने वाला समय क्या होगा आप लोग को पता है, बहुत अच्छा होगा। हमें क्या बताया, बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी पहले कहा जब अभी चुनाव नजदीक थे कि इंतजार करिए, बहुत अच्छी तस्वीर सामने होंगी। आज तस्वीरें सामने हैं, आने वाली तस्वीरें और अच्छी होंगी। कुछ बोलने जा रहा, जल्दी बोलिए फिर बाकी लोग। मैं एक चीज बोलने जा रहा था, मैं अपने से बोलने से रोक नहीं पाया। अभी हमारे प्रसपा के साथी ने कहा संविधान का अपमान। हाँ, मतलब जेड से वाई करना संविधान में लिखा है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि शिवपाल सिंह यादव को सुरक्षा दी जाए और उनकी सुरक्षा कम की जाए तो संविधान का अपमान हो जाएगा? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि शिवपाल जी जो कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं, उनका परिवार के साथ करना। सबसे ज्यादा समस्या हमारे जो भाई प्रसपा के प्रवक्ता हैं, इन लोगों के लिए है, प्रसपा के कार्यकर्ताओं के लिए है कि वो क्या करें, वो क्या करें। एक तरफ सपा के पास जाएं, फिर शिवपाल जी के पास जाएं, और आज जो ये भाषा बोल रहे हैं, ये इनकी समस्या बता रहे हैं कि आज ये एकदम डेलिमा में है कि हम कहां जाएं, हमारी स्थिति क्या होगी, हम कैसे सपा का विरोध कल तक करते रहे, आज कैसे उनके साथ जाएं। देखिए अलग होना, देखिए अश्विनी भाई, हमने अपना नेता शिवपाल जी को माना, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने नेता माना, तो हमने जब उनको कह दिया आप जो फैसला लीजिए, जो फैसला बोलेंगे, हमारे नेता इतने बड़े त्याग और बलिदान के नेता है, हम सब उनके लिए त्याग नहीं कर सकते। अरे जो समाजवादी विचारधारा है, जो लोहिया जी की विचारधारा थी, नेताजी की विचारधारा, हम वो लेके आगे चलेंगे। पद और लालच की राजनीति कभी शिवपाल जी ने नहीं करी, तो मैं समझता हूं उनका एक एक कार्यकर्ता भी किसी पद और लालच की राजनीति नहीं करता। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा एकलाख भाई, जो रैलियां कर रहे हैं और जो सभाएं कर रहे हैं वो सपा नेता के रूप में कर रहे हैं, प्रसपा प्रमुख? वो शिवपाल सिंह यादव साहब के रूप में कर रहे हैं, वो सपा और प्रसपा की बात नहीं है। अच्छा, वो नेताजी की विचारधारा को लेकर कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जी बन के। ठीक 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 भास्कर जी भाई, यहाँ तो आपके प्रसन्नता आपके चेहरे पर नजर आ रही है, प्रचार भी दमखम से कर रहे हैं भाई, कैसे देखते हैं चुनाव को? क्योंकि यहाँ पर जुड़ाव तो हो ही गया है, और जसवंत नगर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी पिछले चुनाव में भी, 19 के चुनाव में, तो इस बार भी कुछ बेहतर होगा, या जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं कि शायद चुनाव के बाद स्थिति दूसरी हो जाए, क्योंकि कह नहीं सकते। प्रसपा के प्रवक्ता ने भी कहा है कि आने वाला समय बताएगा,
अरे पता इनको भी नहीं है, स्थिति क्या होगी। मैंने कहा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, अच्छा इंतजार करिए। अच्छा होगा भाई। तो भुवन जी कैसे देखते भाई? जी मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का प्रारंभिक बयान सुना। सुन लिया, दुख हो गया भैया। मुझे लगा, मुझे मुझे लगता था कि वो कुछ अपना विषय बताते, छह साल के कार्यकाल का कुछ अच्छा सा। अरे कार्यकाल पे थोड़ी डिबेट है आज, क्या बताएंगे कार्यकाल पे जी। तो जी कुछ ऐसा बताते, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमारे परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाती। अच्छा, अगर परिवार अलग होता है तो इनका विषय रहता है, परिवार एक रहता है तो इनका विषय रहता है। तो परिवार को साधारण रूप से लड़ेगा तो दिखेगा ना भाई, तो बोलना ही पड़ेगा। अंदर नटा लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं तो श्रीवास्तव जी का निवेदन करूंगा, आप मेरे विषय को भी तो सुन लीजिए। सुन लीजिए जब इनके विषय को, इनके बोले 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 मेरा ना, मैं आपसे बताता हूँ। तो ये हमारे परिवार से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे कि छह साल के कार्यकाल में योगी सरकार के पास कोई भी उपलब्धि नहीं है जो ये बता सके। और मैं कहना चाहता हूँ, आज इनके मुख्यमंत्री का बयान भी मैं आपके टीवी के माध्यम से सुन पा रहा हूँ। अच्छा, जिन्हें सिराइयों की जनता ने, महान जनता ने नकार दिया, वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बोलते हैं, हमारे माननीय शिवपाल यादव जी के लिए बोलते हैं, अरे आप अपना क्षेत्र तो बता नहीं पाए, अपनी जमीन तो आपके खिसक गई। अरे वो सीएम योगी बोले भाई, कैसा बोल रहे हैं जी। मैंने सुना केशव प्रसाद मौर्य जी का भी एक जगह से बयान चला, और चैनल में सुना जी जी। मैं आपको निश्चित तौर पर बताता हूँ, मैं मैनपुरी में हूँ जैसा कि आपको भी पता है जी। और ये जो चुनाव हो रहा है मैनपुरी का जी, ये यहाँ की जनता ने अपने हाथ में ले लिया है गौरव भाई। बहुत जनता चुनाव लड़ रही है, मुझे जी जनता चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेज जनता चुनाव हो गया है। क्योंकि क्योंकि जनता श्रद्धांजलि लेना चाहती है अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती है। इसके लिए वो बड़ी व्याकुल है कि कब वो अपना आखिरी श्रद्धा सुमन माननीय नेताजी को अर्पित करे। और मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में जब प्रदेश की सभी नेत्री, किसी भी पार्टी की नेत्री, और सब घरों में थी, केवल एकमात्र नेत्री थी जो सड़कों पे थी और अपने बच्चों के साथ सेवा कर रही थी पूरे देश की, प्रदेश की। अच्छा। और उनका नाम माननीय डिंपल यादव जी है जी। जिनके सेवा का भाव ही अंदर है, वो मैदान में है। निश्चित तौर पे यहाँ पर कोई लड़ाई है ही नहीं, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। और आदरणीय चाचा जी के बारे में कहूंगा, आदरणीय चाचा जी हमारे संरक्षक की भूमिका में अब है, हमारे बड़ों की भूमिका में है। माननीय अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश और देश को साफ संदेश दे दिया है कि मेरे चाचा के रूप में मैं उनका हमेशा सम्मान करता था, लेकिन कोई राजनीतिक जो मतभेद थे वो भी अब दूर हो गए, और मजबूती से प्रदेश और देश के सुख चैन के लिए, युवाओं के सुख चैन के लिए, किसानों के सुख चैन के लिए, विद्यार्थियों के सुख चैन के लिए, मजदूरों के सुख चैन के लिए मिलकर लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। यही समाजवाद है, इसी की लड़ाई को दोनों लड़ रहे। भुवन जी, मेरे दो सवाल रहेंगे आपसे। अभी प्रसपा प्रवक्ता रहे इखलाक भाई ने बात कही कि अगर सतपाल सिंह यादव को पहले साथ में ले ले तो शायद सरकार बन जाती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते, तो शायद पहले अगर जुड़ा हुआ तो बेहतर होता। कारण क्या रहा, मजबूरी क्या रही, अलगाव के दिक्कतें क्या रही, पता नहीं। और एक बात और, आपने भी कहा कि बीजेपी आपके परिवार में झांकती है, तो भाई परिवार में इसी झांकती है कि या परिवार की लड़ाई है वो सार्वजनिक होती है, और जब सार्वजनिक अलगाव होता है, सार्वजनिक बयान होते हैं, तो मेरे ख्याल से उस पर फिर जो आरोप प्रत्यारोप तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है हो गई होगा। कैसे देखते हैं दोनों बातों को जल्दी? देखिए, मैं अभी जो प्रसपा के हमारे साथी प्रवक्ता है उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। मैं अपने एक अनुभव के आधार पर एक बात कहना चाहता हूँ गौरव भाई जी। जिसका वर्तमान अच्छा होता है जी, उसका भविष्य भी अच्छा होता है। निश्चित तौर पे समाजवादियों का वर्तमान अच्छा हो गया है। अच्छा। और भविष्य भी अच्छा होगा। कितने समाजवादी है जी। सब इतने प्रसन्न है। अच्छा। और सब में इतना उत्साह का माहौल है। मैनपुरी में रहते मैंने 10 दिन से यही डेरा डाला हुआ है। अच्छा। आप ये देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आपको लगेगा कि दोनों के प्रसपा और सपा के मिलने से उत्साह है, और हमारे साथ जनता में उत्साह है जी। क्योंकि उनका एक घर है, उनकी कर्म भूमि है, नेताजी की कर्म भूमि है, उनका एक गृह क्षेत्र है। तो लोगों में जितनी फीलिंग अच्छी माननीय चाचा जी के प्रति है, माननीय अखिलेश जी के प्रति है, माननीय नेताजी के प्रति है, तो ऐसा लगा कि परिवार एक होने से क्या पार्टियां भी एक हो जाएंगी? क्या विलय हो जाएगा? क्या पार्टियां भी एक हो जाएंगी? परिवार एक हो गया। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वर्तमान समाजवादियों का अच्छा हो गया, भविष्य भी अच्छा होगा। भूतकाल भूल जाइए, चलिए ठीक है, भूतकाल भूल जाइए। सुनिए भाई, कुछ बोल रहे थे आप भूतकाल भूलने को लेकर जी? बोलिए जल्दी बोलिए।
मैं देखिए प्रोफेसर साहब बहुत ही सीजेंड प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज जो है जी, इनकी भाषा में भी वो चीजें नहीं है कि वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे हैं। ये भी पूरी तरीके से नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम शिवपाल चाचा को अंदर ले रहे हैं और उनको एक शासन करके उनको कोई जगह दे रहे हैं, विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया और आज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। गौरव जी, तो मैं दो बातें पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। तीन जगह चुनाव हो रहा, खतौली में हो रहा, रामपुर में हो रहा, यहाँ हो रहा है। ठीक है। अखिलेश जी पिछले आजमगढ़ रामपुर तो नहीं गए, इस बार क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रत्याशी ने उनको मैनपुरी में ही दबाव में लाकर रखा है कि घर घर, वो जिस अभी कुंडा में गए थे मैनपुरी में, क्षत्रिय समाज का भी बहुत वोट है, यादव समाज का वोट है, शाक्य समाज का वोट है जी। कुंडा में उन्होंने जाकर एक बयान दिया कि कुंडा में हम कुंडी लगा देंगे। आज वही क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है पूरा, और दरवाजे दरवाजे जाकर ये वोट की भीख मांग रहा है कि इज्जत बचाइए। और चार विधानसभा में दो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, भोगांव और जो है दूसरी मैनपुरी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहां से माननीय विधायक हैं, दो ही विधानसभा इनके पास है। तो आज जो है भारतीय नेताजी का भी नाम, चाचा का साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय पांच विधानसभा है, मैनपुरी में ही है जी। पांच विधानसभा, मैं सही करना चाहूंगा आपको, पांच विधानसभा है जिसमें से समाजवादी पार्टी के पास जसवंत नगर, किसनी और करहल है, भोगांव और मैनपुरी आपके पास है। क्षमा चाहता हूं, कोई बात, जसवंत नगर भी उसी में है जी। इमरान भाई क्षमा चाहता हूँ भाई, आप तो इस समय गुजरात चुनाव में लगे हुए हैं और वहां पर आपके मंत्री जी के वीडियो वायरल होते रहते, केरल चर्चा बनी हुई है लगातार, जिस तरह से यार राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आप भी उत्तर प्रदेश में खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं, 20 नवंबर से और 30 नवंबर तक आपके 800 कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय भी आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर बेहतर विकल्प के रूप में सामने आने की प्रयास कर रही है। अब सामने आएगी कि नहीं आएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इस घटनाक्रम पर क्या बोलेंगे आप, सुरक्षा का कम हुई और जो जुड़ाव हुआ है परिवार का, कैसे देखते हैं? देखिए जुड़ाव कहाँ हुआ है ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा, ये तो एक ऐसा समय आया है जब दोनों लोगों के लिए मजबूरी है और मजबूरी में उठाया गया कदम है। ना तो अखिलेश यादव जी ने शिवपाल यादव जी को अपनी पार्टी में लिया है और ना ही शिवपाल यादव जी को ये समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है, ये तो बिल्कुल अस्पष्ट बात है। लेकिन ठीक है, ये उनके परिवार का आंतरिक मामला है, ये दो पार्टियों के बीच का आंतरिक मामला, वो क्या फैसला लेते हैं क्या करते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर टिप्पणी करना हमारे लिए नहीं बनता है। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की जो पहले की खुशी रही अतीत की उसकी बात करें और जो वर्तमान की तकलीफ है उसकी बात करना जरूरी है। देखिए ये तकलीफ साफ पता चल रही है कि पहले आप जेड सिक्योरिटी देते हैं और उसके बाद उसको घटाने का काम करते हैं, घटाने और बढ़ाना जो होता है ना, दरअसल ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है शिवपाल यादव जी जैसे नेता के लिए, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो ये जेड सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी कोई उनके सम्मान को ना घटा सकती है ना बढ़ा सकती है जिस स्तर के नेता वो हैं। हाँ ये संदेश का काम होता है, जब आप जेड सिक्योरिटी देते हैं या सिक्योरिटी बढ़ाते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आपकी मोहब्बत बढ़ रही है, और जब आप उसको घटाते हैं तो पता चलता है कि आपकी नफरत बढ़ रही है, और नहीं हो रही है, और ये नफरत बढ़ रही है, मोहब्बत कम हो रही है। अब देखिए जो ये मामला हो क्यों रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ये जो हरकत है उससे समझा जा सकता है कि ये वो लोग हैं जो कभी देश तोड़ने का काम करते हैं अपनी नफरत वाली राजनीति के जरिए, समाज तोड़ने का काम करते हैं नफरत वाली राजनीति के जरिए, और अब इन्होंने घर तोड़ने का काम शुरू कर दिया, ये पार्टियां तोड़ते हैं विधायक और नेता खरीद फरोख्त करके, इसके कई सारे उदाहरण पूरे देश के अंदर आपने देखा है, और अब इन्होंने परिवार को तोड़ने का भी अपना एक जो है चलन चला दिया था जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की इस पूरे मसले में आपने देखा। देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव जब शुरू हुआ था उससे पहले ये बवाल शुरू हो गया था, और 2022 का विधानसभा चुनाव आया तब तक उसके विधानसभा चुनाव के बाद अब सिक्योरिटी घटाने बढ़ाने का मामला सामने आ गया। तो नाराजगी क्यों है अखिलेश यादव जी से? अगर अखिलेश यादव जी का आप सम्मान कर रहे थे, बार बार ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन आज घटाई क्यों गई? क्योंकि वो मैन
मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने चले गए। जब तक वो आपके साथ बैटिंग कर रहे थे तब तक सब ठीक ठाक था, जब वो आपके खिलाफ बिल्कुल 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 बैटिंग कर रहे थे, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुआ, अच्छा अच्छा उससे पहले के तमाम बयान देख लें उसमें क्या हुआ, तो ये बात सब समझता है। उत्तर प्रदेश की जनता वो जनता है जो पूरे देश की राजनीति की दिशा दशा को निर्धारित करती है, तो वो सब कुछ ठीक ठाक समझती कि क्या हो रहा था अभी तक, पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी, पर्दे के सामने क्या हो रहा था, सब समझ में आ रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी इस बात की है कि मैनपुरी का जो विधानसभा जो लोकसभा का चुनाव है इसमें शिवपाल यादव जी उनके सुर में सुर नहीं मिला पा रहे हैं और अपोजिट खेमे में जाके खड़े हो गए, इस नाते शिवपाल जी से नाराजगी है और उसका ये संदेश वो देना चाह रहे हैं सिक्योरिटीज को घटाकर। ठीक है ठीक है। आमिर भाई कैसे देखते भाई यहाँ पर घटनाक्रम को, यहाँ पर कितना लंबा जाने वाला है ये काफिला, और यहाँ पर इमरान भाई बोल रहा है कि जो पहले उनके उन्हीं खेमे में थे, पर्दे के पीछे कुछ है आगे कुछ है। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस बहस में शामिल थे। देखिए मुद्दा है सिक्योरिटी घटाने बढ़ाने का, बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन सही बात तो ये है कि शिवपाल जैसा नेता मुलायम सिंह की अगर विरासत किसी को मिलना चाहिए थी तो वास्तव में उसके हकदार सिर्फ शिवपाल थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, शिवपाल जमीनी नेता संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं जी, और मैं बेहिचक कह दे रहा हूँ कि शिवपाल जी की राजनीतिक हत्या उसी दिन हो गई थी कि जिस दिन उन्होंने समाजवादी पार्टी में दोबारा हाथ मिलाया था। अच्छा, या तो अगर ये जम कर लेते, मर्ज कर देते, तो शायद के शिवपाल जी की भी इज्जत बच जाती और अखिलेश भी उस पर आ जाते, राय रास्त पर आ जाते जी। लेकिन उन्होंने पार्टी मर्ज नहीं की थी, सिर्फ हाथ मिलाया था, और हाथ मिलाने में मैं समझता हूँ इतना गिर करके हाथ मिलाया शिवपाल जी ने जो इतना नहीं गिरना चाहिए था। शिवपाल जी की या मजबूरी थी या ऊपर से कोई दबाव था, ऊपर से मतलब आप लोग सब समझदार बैठे मेरे पैनलिस्ट सब बता समझ सकते समझदार नहीं, 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 नहीं सब समझदार हैं जी। तो ऊपर से दबाव था अच्छा कि चले जाएं, इसलिए कि 2022 में मुसलमान बड़ा एक बात चूंकि आ रही है तो मुझे मजबूरी है कहना, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान असमंजस में था कि किधर जाएगा, लेकिन जैसे ही शिवपाल जी सपा के साथ खड़े हुए मुसलमान एक तरफा। आमिर भाई जरा ऊपर वाला थोड़ा सा खुलासा कर दीजिएगा। अरे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब, मैं क्या खुलासा कर दूंगा शाही जी, समझे क्यों आप मुझसे सब कुछ कहवाना मुझी से चाहते हैं, मैं बहुत कुछ बोल भी जाता हूँ कभी कभी। खैर बहरहाल तो कुल मिला करके ये मामला थे, तो ये तो सच्चाई की शिवपाल जी की राजनीतिक हत्या उसी दिन हो गई थी जब ये 2022 में विधानसभा चुनाव में साथ गए थे, नहीं जाना चाहिए था। तो शिवपाल जी का एक कद है और शिवपाल जी के पीछे भीड़ भी थी, ठीक है भाई 111 कुछ और कम हो जाती, सरकार तो कहीं से नहीं बन रही थी, ये तमाम बुद्धिमान लोग तमाम पढ़े लिखे लोग पहले से जान रहे थे, कोई नहीं देखिए मान ना मान मैं तेरा मेहमान, अपने बेरी के बेर को क्या कहते हैं, बेरी के बेर को कौन खट्टा कहता है, तो हम भी जान रहे थे। हम अभी सभासद का चुनाव आ रहा है जिसको 20 वोट मिलने वाले होंगे वो भी काउंटिंग तक जीतता ही रहेगा, लेकिन काउंटिंग बाद एक ही जीतना है, कुल मिला के सच्चाई है। तो सरकार तो कहीं दूर दूर तक नहीं बन रही थी, पूरी प्रदेश जान रहा था, पूरा देश जान रहा था कि भाजपा लौट रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे माननीय योगी जी बयान दे के आए हैं आज वो अच्छे नहीं है, क्योंकि इतने बड़े नेता को इस स्तर के बयान, जो एक प्रधान स्तर का बयान होते हैं वो नहीं देना चाहिए, प्रधान छाप बयान। कुल मिलाकर के अखिलेश जी का जहाँ तक मामला है तो अखिलेश जी या ये गए हैं या अखिलेश जी ने, चूंकि अखिलेश के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग कहता है कि ये बहुत सेल्फिश आदमी है, ये आप, हाँ, बिल्कुल अपने लिए, हाँ बिल्कुल जब उनकी मर्जी आई। देखिए चुनाव लोकसभा का सिर्फ एक चुनाव, जैसे शाही जी कह रहे थे कि वो एक जगह समेट दिया भाजपा ने, भाजपा नहीं समेट दिया, भाजपा वो उनको पूरे चुनाव में देखिए, रामपुर ये गए नहीं, लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ गए नहीं, ये चुनाव ऐसे थोड़ी लड़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वार्ड अध्यक्ष से लेकर, मैं शायद आपके चैनल पर एक बार और कह चुका हूँ, वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लड़ा, चुनाव कैंपेन में गए, लेकिन अखिलेश जी कहीं नहीं दिखे। लेकिन मैनपुरी उनकी साख बचाना है उनको, मुलायम सिंह जी की विरासत बचाना है, इसलिए भाजपा के योगी जी भी गए हैं, एक फॉर्मेलिटीज है, ठीक है बोल के चले आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि योगी जी या कोई बहुत बड़ा जादू मैनपुरी में चला पाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो मुझे अब तक तो जो हालात हैं, जो समझ में आ रही है चुनावी गतिविधियाँ, वो सपा ही के फेवर में जा रही हैं, और अब तो और एक स्पष्ट हो गया कि शिवपाल जैसा नेता भी अखिलेश के साथ है, तो जाहिर सी बात है डिंपल चुनाव जीत लेंगे। हालांकि समीकरण तो वही थे, हाँ इससे पहले चुनाव डिंपल उपचुनाव नहीं जीती हैं, हार भी चुकी हैं, तो उपचुनाव डिंपल के लिए बहुत अच्छा कभी नहीं रहा। अच्छा। लेकिन इस बार जो हालात दिख रहे हैं वो दूसरे दिख रहे हैं, बाकी लंबा जाएगा ऐसा पता आपकी नहीं, लंबा तो नहीं जाएगा। देखिए लंबा इसलिए नहीं जाएगा, सुन लीजिए कि शिवपाल जी थोड़ा खुददार किस्म के आदमी है जितना मैं जानता हूँ,
और अखिलेश जी उनको सम्मान, वो सम्मान जो एक नेता का होना, चाचा और भतीजे का रिश्ता छोड़ दीजिए, नहीं नहीं देखिए ये तो चाचा भतीजे के रिश्ते हो गए, लेकिन जो राजनीतिक सम्मान अखिलेश जी को देना चाहिए शिवपाल को, वो मुझे लगता है कि ये 2015 के बाद से अखिलेश जी ने शिवपाल जी को नहीं दिया। और अब चूंकि बहुत सी ऐसी बात है जो मैं टीवी पे नहीं कह सकता हूँ, जो मेरी नॉलेज में है भी, अच्छा कि जो मेरी मैंने एक मैसेज भी भिजवाया कुछ करा, लेकिन वो सब खैर कहने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। बहरहाल कुल मिला के जो सम्मान के हकदार हैं शिवपाल जी, वो सम्मान अखिलेश ने 2015 के बाद से उनको दिया ही नहीं। और शिवपाल जी इतना भावनात्मक मैं समझता हूँ कि परिवार से जुड़े, कि मुलायम सिंह जी जब तक जीवित रहे, बल्कि जैसा मुलायम सिंह चाहते थे वैसे ही शिवपाल जी करते रहे, हमेशा भैया ही भैया कहते रहे और वो खुद को ख़त्म करते रहे। ईमानदारी की बात यह कि भैया की मोहब्बत में, भतीजे की मोहब्बत में शिवपाल जी ने खुद को खत्म कर लिया। हद ये हो गई कि उन्होंने 2022 में सपा के साथ खड़े होकर खुद की राजनीतिक हत्या कर ली। मुझे नहीं लगता कि अब शिवपाल जी भविष्य में कभी राजनीति में बहुत ऊपर उछाल मार पाए। वैसे किस्मत का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, राजनीति में परमानेंट कोई दोस्त नहीं होता, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता। भाजपा के खेमे थे वो, भाजपा ही बैटिंग कर रही थी। अब भाई ये आम आदमी पार्टी का अपना नजरिया है, भाई जाहिर सी बात है, अब उन्होंने कुछ कहा तो कुछ सोच समझ के गाओ, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। इमरान भाई बात बोलते रहते, कभी कांग्रेस से भाजपा का ईलू करा देते हैं तो कभी जो है बसपा से, खैर कोई बात नहीं। इखलाक भाई ये बताइए, इमरान भाई क्या कह रहे हैं, अभी बैटिंग आप करवा रहे थे, भाजपा की तरफ से थे आप, चुनाव में भी आपने जो है राष्ट्रपति चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में वोट दिया और यहाँ पर अलग हो गए हैं। अश्विनी भाई भी उस पर बोल रहे थे, भाई किस तरह से आप लोग देखते हैं इसको यार, लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा मित्र? देखिए राष्ट्रपति चुनाव जी पे जो बात हुई है, वो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब क्यों विरोध में थे, क्यों जिस आदमी ने नेताजी का अपमान किया हो, अच्छा कभी उसके साथ वो नहीं खड़े रहेंगे, वो इस किस्म के आदमी है। ठीक है, नेताजी को वो राम मानते थे, राम जी मानते थे, जिस तरीके से राम जी और लक्ष्मण जी रहते थे वैसे ही वो रहते थे। अच्छा, तो जिन्होंने उनके बड़े भाई का अपमान किया हो तो उनका साथ कभी नहीं देंगे। ठीक, रही बात इमरान भाई कह रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो ऐसा एक बयान मुझे इमरान भाई सुना दे या इनकी पार्टी सुना दे जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करी हो। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की करी है तो मुख्यमंत्री नहीं है क्या? मुख्यमंत्री देखिए पूरे प्रदेश का होता है। अच्छा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जिससे इमरान भाई मिलने जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के विरोध में जा रहे हैं ये? अच्छा, अगर जनता की समस्या को लेकर जा रहे हैं तो क्या इमरान भाई भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जा रहे हैं? अच्छा भाई, वो गए मिलने, मैं कहता हूँ गए अपने जनता की समस्याओं को लेके गए। अब उस पर अगर कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हाँ फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी ने परिवार और पार्टी अलग होने का उठाया है, ये तो सार्वजनिक है, सब लोग इस बात को जानते हैं। एक बयान मुझे इमरान भाई बता दे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की हो या उनकी विचारधारा की तारीफ की हो। शिवपाल जी देखिए हमेशा से समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग सब लोग मिल के समाजवादी विचारधारा को शिवपाल जी हो या अखिलेश जी हो ले जाने का काम कर रहे हैं। भाई यार भवन जी बोल रहे थे कि भूत भूल जाइए, भविष्य वर्तमान जीजिए और भविष्य देखिए, भूत भूल जाएंगे क्या? देखिए भूत भूलना या भूत भगाना वो अलग की विषय हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता को हम कैसे उनके लिए हम काम कर सकें? अच्छा, नेताजी के सपनों को जैसे अभी एक भाषण शिवपाल जी ने दिया है, हाँ, कि कुछ बहुत से ऐसे अधूरे सपने हैं जो उनको पूरा करना है। अच्छा, तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब को और शिवपाल सिंह यादव साहब को मिल के उनको पूरा करना है। अच्छा, तो उसी विचारधारा और उसी रूपरेखा आमिर भाई क्यों बोल रहे हैं कि लंबा नहीं जाएगा हिसाब किताब? अभी ये आमिर भाई ही बेहतर बता पाएंगे कि लंबा जाएगा या नहीं जाएगा। मैं तो समझता हूँ पूरा परिवार एक है, पूरा परिवार एक है, सारे परिवार के लोग एक है, उस चीज को आगे ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, गौरव जी, गौरव जी अभी हमारे प्रसपा के प्रवक्ता ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव जी वहां नहीं जाएंगे जिसने उनके बड़े भाई का अपमान किया। ठीक, वो दिन भूल गए क्या जिस दिन सपा का सम्मेलन हो रहा था, माननीय नेता जी के हाथ से माइक छीना गया, अध्यक्ष की कुर्सी छीनी गई, तो क्या वो उनका सम्मान किया? अभी भी अगर जिसने नहीं देखा हो, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उस वीडियो से। ठीक, अखिलेश जी ने कितना सम्मान किया था, पार्टी तो आखिर क्यों गए वहां? बात करेंगे तो अडवाणी साहब के बारे में जवाब दे दीजिए आप सर। नहीं नहीं, अडवाणी साहब के बारे में जवाब भी आपसे जानना चाहती है, ये जवाब नहीं है। आपने जो कहा उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा है, वो अलग चीज है भाई। स्टेज से उतार दिया, उसका जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। मैंने कहा जो व्यक्ति नेताजी का अपमान करेगा, आपने कहा जिस व्यक्ति साथ नेताजी का अपमान किया, देखिए राजनीतिक मतभेद जरूर थे आदरणीय अखिलेश यादव साहब के बीच में और शिवपाल सिंह यादव साहब के बीच में, मनभेद कभी नहीं थे,
परिवार एक था, चाचा भतीजे एक थे, राजनीतिक मतभेद थे जो मैं समझता हूँ आज खत्म भी हो चुके हैं। अच्छा। इससे ही भारतीय जनता पार्टी को काफी तकलीफ हो रही है। अच्छा। आप चुनाव लड़िए मैनपुरी का साहब, आपका स्वागत है, आप लड़िए, आप जो काम किए हैं 6-6.5 सालों में उस पर लड़िए। अच्छा। आप सेंट्रल की सरकार ने आपके जो काम करी उस पर लड़िए, आप समाजवादी परिवार पे क्यों लड़ रहे हैं और सिक्योरिटी हटा के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं? तो आने वाला समय मैनपुरी का आपको बता देगा साहब, जनता सिक्योरिटी जगह बिल्कुल है नहीं, जरूरत है हटा लीजिए सारी सिक्योरिटी, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, जनता करती हो, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं हो, डरने वाले व्यक्ति शिवपाल जी। तो भाई ये तो अपने आप छोड़ देना चाहिए ना, जो हटाए आप जो अपने आप छोड़ दे, नहीं जरूरत है तो एक चिट्ठी तो लिखना है हमारी सिक्योरिटी हटा ली जाए। देखिए सुरक्षा उनकी क्या है, ये आप लोग जिस तरीके से जेड से वाई कर दी, तो आप जवाब दीजिए इसका। आप चुनाव के स्पीक टाइम में, हम क्या जवाब, चुनाव के स्पीक, चुनाव के स्पीक टाइम में आप सुरक्षा हटाई नहीं है, चुनाव के स्पीक टाइम में जो काम कर रहे हैं, चिट्ठी लिखे हैं आप, लिखवाइए, प्रशासन का उपयोग करना चाह रहे हैं। रामपुर में आपने क्या किया, प्रशासन का उपयोग किया जो उपचुनाव हुआ था, मैनपुरी में आप क्या कर रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं, गाड़ियां सीज कर रहे हैं, प्रशासन तो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि डर जाएंगे हम लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग किसी से डरते नहीं है। आप कहीं डराने, आप चुनाव लड़िए, आप एक मुद्दा ऐसा बता दिए अश्विनी भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप चुनाव का एक मुद्दा बता दी जिसपे हम मैनपुरी का चुनाव लड़ेंगे, किस विकास के मुद्दे पे आप मैनपुरी चुनाव लड़ेंगे? अरे आप आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब की बनी हुई सड़कों के गड्ढे तो भर नहीं पाए अब तक। जिस विकास के मुद्दे पर आपने आजमगढ़ शिवपाल सिंह यादव साहब की रामपुर लड़ा, आपने आजमगढ़ भी परिवारवाद पे लड़ा, आपने रामपुर भी परिवारवाद पे लड़ा, उसी मुद्दे पर आपने हर जगह परिवारवाद पे चुनाव लड़ा, अपने कामों पे चुनाव नहीं लड़ा आपने साहब, उसी मुद्दे पर लड़ेंगे। आप गिनाइए, मैं तो कहता हूँ आप गिनाइए, मैं सुन रहा हूँ, आप गिनाइए प्राइम टीवी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है आपको, आप गिनाइए साहब, लेकिन नाम उन्हीं का चलेगा, आप गिनाइए साहब, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आप मुद्दे गिनाइए, पार्टी का उन्होंने ही नींव रखी थी, आप मुद्दे गिनाइए साहब, माननीय मुलायम सिंह यादव जी एंड देखिए गौरव भाई साहब है कि कोई मुद्दा नहीं गिनाया जा सकता, गिनाइए मुद्दा, बोले बोले भाई आप जवाब दीजिए। इकला भाई कोई बात बोले थे, देखिए अभी समाजवादी पार्टी के संघर्ष, समाजवादी विचारधारा के संघर्ष की बात हो रही थी और अभी चुनाव हो रहा है। मैं दो उदाहरण लेना चाहता हूँ, एक रामपुर में एक रोता हुआ नेता है जिसकी आंखों में आंसू हैं, और एक उसी तरह का इलेक्शन कमीशन का जो डंडा है वो चल रहा है गुजरात के अंदर, उतना नहीं हुआ जितना गुजरात के अंदर हुआ है। अच्छा। गुजरात के अंदर सूरत में हमारे एक प्रत्याशी का नामांकन वापस लिया गुंडागर्दी करवा के। अच्छा। पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की। अरे सुन तो लीजिए शाही साहब, सुन लीजिए, और आज अरे सुनिए तो आपके मतलब की बात होने जा रही है भाई, सुन तो लीजिए उसके, और रामपुर के अंदर शाही साहब उतनी गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं, नामांकन नहीं वापस करवा पा रहे हैं, चुनाव लड़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। गुजरात में तो हमको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, लेकिन हम चुनौती देने का काम कर रहे हैं, हम संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अहंकारी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत दिखाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में रोना पीटना चल रहा है कि भैया हमको चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, अखिलेश जी अपनी सत्ता बचाने में जुटे, एक जिले की सत्ता, एक लोकसभा की सत्ता, आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश जो है एक कायर और डरपोक विपक्ष के नाते पिछड़ता जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चरम पर है और विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और उनके कुनबे का जो डर है वो एकदम अपने पीक पर है। तो दोनों लोग चरम पर है, उनका अहंकार चरम पर है, इनका डर चरम पर है, ये अपने डर के मारे निकल नहीं पा रहे, आजमगढ़ नहीं जा पाए, रामपुर नहीं जा पा रहे, मैनपुरी में लगे पड़े किसी तरीके से। दिल्ली वाली पार्टी का भ्रष्टाचार चरम पर है और दिल्ली वाली पार्टी की लोकप्रियता चरम पर है। दिल्ली में 3 बार हराया, पंजाब में हराया, गुजरात में हराने जा रहे हैं। दिल्ली वालों का काम चरम पर है, मुद्दों की राजनीति चरम पे है। शराब घोटाले में मुंह काला हो गया, सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, धैर्य रखिए। इसी तरीके से एक दिन कोर्ट भी कहेगी सत्येंद्र जैन पर जितने आरोप लगाए गए थे सबके सब फर्जी थे। अरे धैर्य रखिए, जमानत भी मिलेगी। अरे मनीष सिसोदिया पे बात कर लीजिए, मनीष सिसोदिया पर बात कर लीजिए, शराब घोटाला, कहां गया शराब घोटाला? आप अभी भी जांच चल रहा है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त लोगों की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया। कल तक मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, आज क्या कह रही है इनकी पत्नी, आज सीबीआई क्या कह रही है, आरोप में चार्जशीट में नाम ही नहीं है, आरोप पत्र
नहीं पाएगा। मनीष सिसोदिया झंडा भी कराएंगे जाकर वहां। कुल मिलाकर जो लोग बच्चा चोरी करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की जासूसी करने वाले लोग हैं, जगलप्पा और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को पालने पोसने वाले लोग हैं, उनसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश रणनीति जमीन पर चुनाव में मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहे तो आम आदमी पार्टी कर रही है, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भी सुनहरा भविष्य साफ साफ दिख रहा है। पर आपने ये बात जो कही कि विपक्ष उत्तर प्रदेश कमजोर है, भाई 111 सीटों के साथ है। अरे नंबर से क्या होता है, हाँ। नियत से लड़ा जाता है, हिम्मत से लड़ा जाता है, साहस से लड़ा जाता है, ताकत से लड़ा जाता है, हाँ। कहाँ हिम्मत दिख रही है? अरे एक नेता रामपुर में रो रहा है, अच्छा, और मुखिया क्या कर रहे हैं? मुखिया दुबके हुए मैनपुरी के अंदर, वो अपनी सीट बचाने के लिए रो रहे हैं, वो रामपुर में रो रहे हैं, कोई खतौली में रो रहा है। अरे यहाँ रोना पीटना चालू है। आप संघर्ष करने वाली पार्टी थे, आप चुनौती देने वाली पार्टी थे, आपकी जिम्मेदारी चुनौती देने की थी, बोला है। अरे थी समाजवादी, कभी संघर्षों की गाथा लिखने वाले लोग थे नेताजी, संघर्ष करते थे, नेताजी का सम्मान है। शिवपाल भी जी उसी परंपरा के नेता थे, लेकिन क्या कर दिया शिवपाल जी को? हाँ। शिवपाल जी को ढेला बना दिया, अच्छा। हत्थे बिठा के खत्म कर दिया उनकी राजनीति, अच्छा। तो कुल मिलाकर आज जो ये आराम तलबी वाली राजनीति है अखिलेश यादव की, उसने उत्तर प्रदेश को गर्त में डाल दिया है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता इसी तरीके से अहंकारी होगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन धैर्य रखें, गुजरात का चुनाव समाप्त होने दें, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर और विकल्प के तौर पर उभर रही है, उभर गई है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। भवन जी भाई आप कमजोर हो गए, यार मरान भाई बोल रहा है थे बोल रहे हैं, जाने कितनी बार थे बोल दिया, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, कह रहे साहब आपकी पार्टी के लोग रो रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे देखते हैं भाई? मैं आपसे पहले तो बोलना चाहता हूँ जिस विषय पे आपने चर्चा करी है जी, मुझे लगता है कि माननीय शिवपाल यादव जी की जो सिक्योरिटी सरकार ने वापिस ली है निश्चित तौर पे कम की है, अपनी नैतिक हार मान ली, अच्छा मुझे कम की है, मुझे लगता है, मुझे पता है जज से वाई करी है, मुझे लगता है कि योगी जी ने अपनी नैतिक हार मान ली है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी के मिलके आने से एक क्या माहौल उत्तर प्रदेश का बन जाएगा, उस बात को बदलना। रामपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है क्या भुवन जी? रामपुर में आजम खान साहब रो रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, जरा ये भी जनता को बता दीजिए। क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं करना है? क्या वहां आपने सरेंडर कर दिया है? क्या आपने आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या विपक्ष का कोई दायित्व नहीं बनता रामपुर के अंदर आवाज उठाने का? भवन जी बोलिए 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 गौरव भाई, इनकी आवाज कम करवाइए। वही बोले बोले आप बोले, जल्दी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गौरव भाई आम आदमी पार्टी को प्रॉपर समय मिला था, हाँ बोले आप ये जवाब सुन लेना। हाँ सुनिए सुनिए सुनाइए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी से केवल समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन लिख रहा है, अच्छा। जो लोग रण में नहीं है, जो लोग युद्ध में नहीं है, उनपे चर्चा करना मैं प्रदेश और देश के समय को बर्बाद करना मानता हूँ, मैं चर्चा नहीं कर रहा। रामपुर पे जवाब दीजिए, रामपुर पे जवाब नहीं दे पा रहे, आजमगढ़ पे जवाब नहीं दे पाए, जो आजमगढ़ में किया, जो रामपुर में किया, आखिर डरपोक लोग कैसे जवाब देंगे? आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप भारतीय जनता पार्टी की ईडी से डर गए हैं, सीबीआई से डर गए हैं, पुलिस से डर गए हैं, मुकदमे से डर गए हैं, लाठियों से डर गए हैं, जेल से डर गए हैं, इसलिए आप रामपुर पर सवाल नहीं करेंगे, रामपुर पर आप लड़ेंगे नहीं। इन लोगों को क्या जवाब दे? बोलिए बोलिए। ये रण में नहीं है, हम लोग लड़ रहे योगी सरकार से, अच्छा। हमारे नेता अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, हमारे भाई ने रो रहे हैं भाई, रोना पीटना कर रहे हैं, लड़का और इसको लड़ना कहते हैं। लड़ाई गुजरात में आम पार्टी लड़ाई कैसे होती है गुजरात में देख लीजिए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जाती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ किया जाता है, गुजरात से सीख लीजिए, दिल्ली से सीख लीजिए। आप लड़का रहे, आप तो रो रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, लड़का रहे आप, संघर्ष कहां कर रहे हैं? एक जगह आप दुबके हुए हैं, दूसरी जगह रो रहे हैं। ठीक है ठीक ठीक है, भवन भाई बताइए, जवाब दीजिए भाई। भवन जी देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग रण में नहीं है
उत्तर प्रदेश की जो परिधि में कहीं भी जो पार्टी जीवित नहीं है उस पार्टी का जवाब देना मुझे लगता है इस प्रदेश और देश मतलब आपके पास जवाब नहीं है। और रही बात रामपुर के बारे में आपके पास जवाब नहीं है, आप निश्चय कर लिया कि आजम खान साहब को ऐसे ही रोता पिलकता आप छोड़ देंगे, उनके मुकद्दर को छोड़ देंगे, उनसे आप मिलने नहीं जाएंगे, उनके लिए लड़ने नहीं जाएंगे। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग समाजवादी की जो पुरानी परंपरा थी उस परंपरा के लोग नहीं है, आप लोग डरपोक लोग हैं। आज अखिलेश यादव इस देश के सबसे डरपोक नेताओं में से एक है, ईडी से डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं, यूपी की पुलिस से डरते हैं, लाठियों से डरते हैं, मुकदमों से डरते हैं, छेड़छाड़ से डरते हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे। कहां है आज उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान को कुचला जा रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, कहां है आपकी समाजवादी पार्टी, कहां है अखिलेश यादव? मैनपुरी में एक सीट बचाने में लगे हुए हैं। ठीक, देखिए इमरान भाई, आप डरपोक की बात इतनी देर से कह रहे थे, तो लड़ लीजिए चुनाव आप भी, क्यों नहीं लड़े आप उपचुनाव? लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लड़ लीजिएगा उपचुनाव। नगर निकाय चुनाव की बात नहीं हो रही, आप लगातार कह रहे हैं डरपोक। अरे आप लड़िए चुनाव, टीवी पे चिल्लाना तो बहुत आसान है, टीवी पे चिल्लाना कहना तो बहुत आसान है। किस परिवार को आप डरपोक कह रहे हैं? नेताजी के परिवार को डरपोक कह रहे हैं? नेताजी के परिवार को डर? अरे आप सुन भी लीजिए, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। देखिए सुन लीजिए इमरान भाई, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ सुन भी लीजिए। किसको डरपोक कह रहे हैं और कौन डरपोक कह रहा है? पार्टी के अंदर नहीं है, अखिलेश यादव के अंदर नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता। अरे तो आप लड़ लीजिए चुनाव, क्यों नहीं लड़ा आपने चुनाव? क्यों नहीं लड़ा आपने चुनाव? गुजरात क्यों नहीं लड़ा आपने चुनाव? गुजरात बीजेपी ने रोका है क्या? बीजेपी ने रोका है? लड़ लीजिए चुनाव। अरे क्यों नहीं लड़ रही है चुनाव? दरअसल सिर्फ मैनपुरी बचाने के लिए आजम खान को। अरे तो आप रामपुर लड़ लेते, आप आजमगढ़ लड़ लेते। अरे आप रामपुर और आजमगढ़ लड़ लेते साहब। ईडी की डर से आजमगढ़ नहीं गए, ईडी सीबीआई की डर से रामपुर नहीं जा रहे, चुनाव नहीं। अरे आप लड़िए चुनाव, आप लड़िए चुनाव भाई, आप लड़िए। देखिए गौरव भाई लड़ ले चुनाव, इमरान भाई की पार्टी लड़ लेती चुनाव। टीवी पे बैठ के चिल्लाना बहुत आसान है, गला फाड़ना बहुत आसान है। सुनिए इमरान भाई, अब आप सुन लीजिए, आप लड़ लीजिए चुनाव। लोकसभा का चुनाव रहा है, 22 में भी आपने लड़ा। अरे आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, तो क्या भाभी उत्तर प्रदेश में नहीं है पार्टी भारतीय जनता पार्टी की? हाँ तो आप उपचुनाव, आप किसको कह रहे डरपोक? आपकी जो लापरवाही है, आपकी जो आराम तलबी की राजनीति है। देखिए गौरव भाई, इस तरह की डिबेट में समझता नहीं होनी चाहिए। अगर बोलने की हिम्मत है तो सुनने की भी हिम्मत रखिए, अपने नेता से भी सीखिए, बहुत सुनते हैं केजरीवाल साहब, सुनने की भी हिम्मत रखिए। आप इतनी से डरपोक की बात करें, लड़ लेते चुनाव, मैनपुरी उपचुनाव, रामपुर का उपचुनाव, आजमगढ़ का। सुन लीजिए साहब, आप सुन लीजिए, रो तो आपके नेता भी रहते हैं कि हमको सिक्योरिटी नहीं दे रही, हमको पुलिस नहीं दे रही है। रो तो आपके नेता भी रहते, अरे रो तो आपके नेता भी रहते, रो तो आपके नेता भी रहते, रो तो रहते कि पुलिस दे दो, मुझे डर है, पुलिस दे दो दिल्ली के अंदर। अरे रो तो आपके नेता भी रहते। अरे सुनने का काम करिए भाई, अपने अपने नेता से सुनने का काम करिए, सुनने का काम करिए, अपने नेता के सुनने का काम करिए। अरे चिल्ला चिल्ला के बात कहना तो गलत सही नहीं हो जाएगी, सुनने का काम करिए। आपके नेता भी रो रहे थे कि हमको दिल्ली की पुलिस दे दीजिए। खैर वो इस तरह की राजनीति हम लोग समाजवाद की विचारधारा के नहीं करते हैं। आप डरपोक की बात करें, आप लड़ते चुनाव में समझता, बहुत बड़े हिम्मतवर हिम्मत है, आप लड़ते चुनाव। आपने क्यों नहीं लड़ा चुनाव? आपने क्यों नहीं लड़ा चुनाव? आप पार्टी नहीं है, आप पार्टी नहीं है, आप पार्टी नहीं है, आप पार्टी नहीं है। अरे आप पार्टी है कि नहीं हमें इतना बताइए, आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। आप पार्टी है कि नहीं हमें बताइए? ठीक है आप पार्टी है कि नहीं हमें बताइए? अरे आप पार्टी है कि नहीं है? चलो ठीक, क्या उत्तर प्रदेश में आप आम आदमी पार्टी नहीं मानते? अरे आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी नहीं मानते हैं? ठीक है। गौरव भाई एक मिनट रुक जाइए, इतनी देर से बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में लड़ लेते चुनाव, चिल्लाते समय कोई काम नहीं होता। आप सुन लीजिए इमरान भाई, आप चुनाव लड़ते, मैं मानता आप बहुत बड़े हिम्मत है, आपकी पार्टी बहुत बड़ी हिम्मत रखती है। ब्लेम लगाना बहुत आसान होता है जिस मजबूती के साथ समाजवादी लड़ रही है। और बात हुई रोने और इस पे बात, देखिए ये इमोशनल चीजें, ये इमोशनल चीजें होती हैं। रोए तो मुख्यमंत्री जी भी सदन में थे, प्रधानमंत्री भी रोए थे, केजरीवाल जी भी रोए थे, मुझे पुलिस नहीं जाती है। ठीक, तो इस तरह की बात मुझे लगता कहना सही नहीं। ये हिम्मतवर कौन है और ताकतवर कौन है, ये चुनाव में आके पता चलता है, टीवी पे चिल्लाने से नहीं। जो चुनाव में नहीं है, जो चुनाव लड़ नहीं रहे हो, मैं समझता हूँ उनको बोलने का हक नहीं है कि ताकतवर कौन है और हिम्मत किसके अंदर। अब बात पूरी हो गई, जल्दी जल्दी और लीजिए।
देखिए अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आ जाती हाँ। तो यही अखलाक भाई चिल्लाते कि भाई बीप टीम बन के आ गए। अच्छा। इनको मौका अरे कभी नहीं चिल्लाते आप लड़िए आप लड़िए चुप नहीं किसी करा पाएंगे। संविधान ने हक दिया हमको बोलने का। आम आदमी पार्टी की हैसियत नहीं है कि किसी की चुप करा दे। आम आदमी पार्टी की हैसियत नहीं है। पार्टी से डर गए हैं, दुबक के घर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो किसी को चुप करा ले। ये देश के संविधान ने हक दिया हमको बोलने का। संविधान ने हक दिया है। समाजवादी विचारधारा का दम भरने वाले लोगों ने बात मान ली कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी आए चुनाव लड़े। इसी तरह की अहंकार भरी चुनौतियां हमने 2013 से सुनी है और हर चुनौती को स्वीकार किया है। हर बार ऐसे अहंकारी लोगों को हराने का काम किया है। हमने आपकी चुनौती स्वीकार की समाजवादी पार्टी के लोगों। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आ रही है। चुनाव नहीं लड़ रहे ना करे भाई, जो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, जो लड़ में नहीं है इतने हारने की बात क्यों करते हैं। चुनाव लड़ते और आप तो जो लड़ रहे नहीं है टीवी पे चिल्लाना तो बहुत आसान है। जो लड़ रहे नहीं है वो बात कर रहे चुनाव जीतने हारने की। कैसे देखते हैं भाई? देखिए भाई गौरव जी लोहिया जी का कथन मुझे याद आ रहा है जी। क्या बात, जिंदा कौम है 5 साल का इंतजार नहीं करती। क्या बात है भाई, बहुत सही। और ये हकीकत है कि मुलायम सिंह जी ने वो करके दिखला दिया था कि धरातल के ऊपर जितने संघर्ष मुलायम सिंह जी ने करे और सरकार की ईंट से ईंट बजाई वो आज की समाजवादी पार्टी में तो नहीं दिख रहा है। ये तो कटु सत्य है गौरव जी। ये तो हमारे सपा प्रवक्ता को भी मानना पड़ेगा और परसपा प्रवक्ता से हम इसलिए कुछ नहीं कहेंगे कि इनका नेता आज भी लड़ रहा है। पहले वो अब परिवार की मोहब्बत मान लिए कुछ मान लिए कि वो दम दम पे बेचारा अपने को सरेंडर कर देता है, लेकिन कुल मिला करके संघर्षशील तो शिवपाल सिंह जी हैं क्योंकि मुलायम सिंह के साथ रहे, मुलायम सिंह के कांधा से कांधा कदम से कदम मिलाकर शिवपाल ने राजनीति करी है और संघर्ष किया है। वो चीज़ अखिलेश में तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और यही वजह जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या आम आदमी हो समाजवादी पार्टी को विपक्ष को बल्कि विशेष तौर से चूंकि समाजवादी ही पार्टी विपक्ष में मुख्य भूमिका में है तो उसको मुर्दा घोषित करे हुए मुर्दा मान रही है आज की तारीख में। सत्यता यही है गौरव जी। अब इसको कोई स्वीकार करे या ना करे। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि 125 विधायक हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के थे जो तुम्हारे मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी गरीबों किसानों मजदूरों विद्यार्थियों को लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और पूरा परिवार एक लड़ाई चिंता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा तो केवल थी मैनपुरी चुनाव को लेकर, चर्चा यहाँ पर थी बयानों को लेकर और चर्चा यहाँ पर थी सिक्योरिटी में कमी को लेकर। आने वाला समय और आने वाली स्थिति बहुत कुछ अलग होने वाली है। फिलहाल आज की चर्चा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर बात कही कि संघर्ष नजर नहीं आया और डरे हुए हैं, राजनीति कहाँ है, धरातली संघर्ष कहाँ है, जो समाजवादी पार्टी की एक परंपरा रही है, एक खासियत रही है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी ने भी बात कही कि जो एक परंपरा थी, जो एक ताकत थी, वो ताकत अब शायद उतनी स्थिति में नहीं दिख रही है। आने वाले समय में किस तरह से सपा और प्रसपा मिलकर बीजेपी की चुनौती बनेगी, मैनपुरी उपचुनाव का, रामपुर उपचुनाव का, खतौली उपचुनाव का परिणाम क्या आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि जब तक धरातली संघर्ष नहीं होगा तब तक भूमिका बेहतर नहीं होगी। जनता को भी जनाधार देने के लिए धराती संघर्ष को देखना होता है क्योंकि समीक्षा यहाँ पर जनता जनार्दन करती है और जब जनता समीक्षा करती है जनाधार उसी को मिलता है। और अब समय आ गया है कि संघर्ष धरातल पे हो क्योंकि ना निकाय चुनाव दूर है और ना 24 का चुनाव दूर है। संघर्ष होगा, मेहनत होगी, लगन होगी, जनता के मुद्दों की लड़ना होगा, तभी परिणाम बेहतर आएगा। नहीं तो जो स्थिति है वो चलती रहेगी और आरोप प्रत्यारोप के दौर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ